राधे जय राधे राधे। तो अभी आपका मैसेज में देख रहा था कि आपने कहा कि वहाँ पे योगी माथुर जी के उसमें दुकान देखिए, आप लोग की मुलाकात हुई थी, ये भी बहुत फेमस है, अच्छा है। आपको क्या हमारी फीड मिल रही है? आपको हमारे वीडियो और संदेश पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? पहलवान कभी कभी आते हैं, वही योगी माथुर के माध्यम से मिलते हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको अपने ग्रुप में जोड़ा। अच्छा, अभी चलेंगे, हमारा आपका सीधा संपर्क रहेगा। बहुत सुंदर बात है। क्या आपको इस बात का अनुमान है कि हम इस देश को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं? इस देश में सभी निरोगी, दीर्घायु और समृद्ध हो जाएंगे। हमारे किसानों की आमदनी 5 गुना, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना, और ऐसे लोग जिनके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, उन्हें हुनर भी मिल जाएगी, शिक्षा भी मिल जाएगी, आवागमन के साधन भी मिल जाएंगे, टूल्स भी मिल जाएंगे, और वो नौकर की बजाय वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे, और उनकी न्यूनतम आमदनी जो है 1 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। माननीय नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना, तो लाडली बहना नहीं होंगी, लाडले बहना भी होंगे, लाडले भाई भी होंगे, लाडले माता पिता होंगे, और उन्हें फ्री भी नहीं मिलेगी, उन्हें रोजगार की गारंटी मिलेगी। शुरू में ये 10,000 रुपए की गारंटी होगी, बाद में ये 25,000 रुपए प्रतिमाह की गारंटी होगी। इस प्रकार प्रत्येक गरीब से गरीब परिवार की जो है आय 1 लाख रुपए प्रतिमाह होगी, और उसे पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिवेट होगा, लिहाजा उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह होगी। तो तिवारी जी, ऐसा अद्भुत भारत चाहिए, इसीलिए मैंने आर्यावर्त समूह बनाया है जी, कि भारत को इतना मजबूत किया जाए कि आसपास जो हमारे आर्यावर्त का वैभव था वो प्राप्त कर ले। आपका आर्यवर्त का जो है, आर्यव्रत का जो वैभव है वो 9 दिन में प्राप्त होना संभव है, और इसमें आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना होंगे, ना कोई जुलूस निकालना होगा, ना कोई धरना देना होगा, ना किसी को पिटीशन देना होगी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं आगे आकर 21 टास्क फोर्स स्थापित करेंगे, और यह देश बदल जाएगा। आपको सिर्फ व्रत लेना है, संकल्प लेना है, शपथ लेना है अपने ही 10 लोगों को जोड़ने की, और जोड़ते वक्त उन्हें शपथ कृत भी करना है। मात्र इतना करने से 10वें दिन महापरिवर्तित भारत की आधारशिला रखी जा सकेगी। तिवारी जी, इतना करने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल, हमारे समूह में तो 45 लोग हैं। देखिए, शुरू में तो एक ही व्यक्ति की जरूरत होती है, राइट? 45 की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 45 लोग जिनको जोड़े, वो जोड़ने वाले लोग नहीं होना चाहिए, उनके अपने लोग होना चाहिए, उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने मित्र, उनके अपने पड़ोसी, उनके अपने आसपास के। याद होगा प्रभु जी, जी परिवार तो हमारा उजड़ गया। क्या उजड़ गया? पत्नी, बेटा, बेटी, परिवार हमारा उजड़ गया इसाइयत की लड़ाई में। वो फिर से देखिए, आपका इमीडिएट परिवार उजड़ सकता है, लेकिन जब पूरा भारतवर्ष ही एक परिवार हो जाएगा तो आपका तो बृहद परिवार हो जाएगा। हम और आप सब एक ही परिवार के सदस्य माने जाएंगे। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, तो और विस्तार से हम बातें करेंगे। क्या मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक अच्छे भारत को चाहते हैं? फिर हम आपसे विस्तार में बातें करेंगे। 9 दिन का संकल्प लेना होगा, मात्र 9 दिन। तो आप मुझे बताइए, क्या 9 दिन बड़ा समय है या छोटा समय है? अभी भी उतनी शुद्धता है कि तो ये छोटा समय है। इस समय में हम लोग बस लोगों को जोड़ने का संकल्प लें, बाकी 21 लक्ष्य और 21 मॉडल बने हुए हैं। शुरू में हम माननीय प्रधानमंत्री से ही अनुरोध करेंगे,
और यदि वो किसी कारण से नहीं मानते हैं तब हमारे चंद्रगुप्त जो है स्वयं विजयी होकर यह व्यवस्था स्थापित कर देंगे। लेकिन पहला अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही देने का विचार है। क्यों? क्योंकि उनकी ये जिम्मेवारी भी है और वो एक दृढ़ संकल्प के व्यक्ति हैं। हमें उनके इन जो है शख्सियत का जो है फायदा उठाना चाहिए, देश को जो है उनका जो दृढ़ संकल्प है उसका फायदा उठाना चाहिए। तो वो यदि अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्पित हो जाते हैं तो उन्हें 303 सीटों की जगह पर 543 सीटें मिलेंगी और उन्हें संभवतः ईवीएम मशीन पे अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखना होगी, बिना उसके उनको 543 सीटें मिल जाएंगी। राहुल गांधी समेत सभी नेता पराजित हो जाएंगे लेकिन उन्हें 21 टास्क फोर्स अभी बनाना होगी और हम लोगों को ये अनुरोध तब करना चाहिए जब हम 10 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प है वो 9 दिन तक निभा लें। मात्र इतना करने से ये महा कायाकल्प संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे विस्तार में बातें बाद में करेंगे। मेरे ख्याल से मुझे लगा कि शुरुआत की ये बात होना जरूरी है तो मैंने आपसे बात करना उचित समझा। मुझे विश्वास है कि हम लोग जो है जगह जगह पे संगोष्ठियां कर पाएंगे और संगोष्ठियां अपने लोगों के बीच में करिए। हम जो दूसरे लोगों को बात करते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं। यहाँ लोग कोई है ही नहीं, सभी अपने हैं, या तो वो हमारे परिवार के सदस्य हैं या हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे मित्र हैं या हमारे पड़ोसी हैं या आसपास के युवा साथी हैं या आसपास के बुजुर्ग लोग हैं या विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जिनसे हम वर्षों से जुड़े रहे हैं। तो ये लोग कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे अपने लोग हैं और जब उन्हें महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जब किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना और न्यूनतम परिवार की जो है क्रय शक्ति 2 लाख होगी और यह देश जो है निरोगी और दीर्घायु भी हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो नारे के आधार पर कोई विश्व गुरु नहीं बनेगा, यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर जो है विश्व गुरु बनेगा। और वैदिक जितनी भी चीजें हैं वो सब शाश्वत सत्य हैं। उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसे आज के लोगों को जो ग्राह्यता है, आज के लोगों की जो समझ है, उस समझ में उसे स्थापित किया जाएगा और इस प्रकार भारत जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो तिवारी जी, आप अपने देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं? बिल्कुल सर। तो बस एक छोटा सा उपाय 10 लोगों को जोड़ने का आज से ही शपथ के साथ चालू कर दीजिए। हम अपेक्षा करेंगे कि आप जो है 2 संगोष्ठियां भी जहां भी जाएं, किसी भी काम से जाएं, वहां कहिए कि साहब हम बैठ के आप लोगों से बात करेंगे और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के जो अच्छे वीडियोज हैं उनको सुनाइए और आइए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करके दिखा दें जो लोगों ने कभी सोचा हुआ नहीं था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, वंदे मातरम।